तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। बूथ लूटने की तैयारी आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे, ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी अपना 4-5 बजे के बाद मैनपुरी पहुंच जाना, बीजेपी के लोग बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है इस बात की, मतलब आपके पास? वो पिछली बार भी उनका व्यवहार ऐसा था। सोचिए, पिछली बार भी जिनका व्यवहार ऐसा ही हो, वो इस बार भी वही व्यवहार करेंगे। आप बताइए, चेयरमैन जितने बैठाए जा रहे हैं थाने में, विपक्ष के लोग बैठाए जा रहे हैं, सत्ता के पक्ष के लोग क्यों नहीं बैठाए जा रहे हैं? तो क्या मैनपुरी हरवाने के लिए किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है, जो पूरा चीजें आप बता रहे हैं, आपने कई सारे उदाहरण गिनवा दिए। मैंने तुम्हें छू लिया, तुम जाओ नहाओ जाके। नहीं नहीं, मैं क्यों नहाऊंगा? रोड शो नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश जी रेवन्ना पे कह रहे हैं कि वापस लाके उनको कड़ी से कड़ी सजा रेवन्ना को दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि उन बुनियादी मुद्दों से मत हटिए। आज बेरोजगारी का सवाल है, नौकरी का सवाल है, और जो विश्व गुरु या विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, पर कैपिटल इनकम क्या है? किसान का गेहूं खरीदा क्यों नहीं जा रहा सरकार की तरफ से? मुनाफा किसको पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल हैं। हम और आप ध्यान न हटाएं। ध्यान हटाने के लिए उन पर समय समय पर बहुत सारे अभिनव हैं उनके पास, जो इस्तेमाल करते रहते हैं। ये धरती माँ है, आसमान क्या मुझे नहीं पता, नदी हमारी माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ। और हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि बूथ लूटने की बात हो रही है, लगातार एसपी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। समीर सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भुवन भास्कर जोशी और ज्ञानेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ एज अ पत्रकार जुड़े हुए हैं। समीर सिंह जी, जिस तरह से अभी अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए, हताश है बीजेपी और इसलिए इस तरह के काम कर रही है, बूथ लूटने की बात कर रही है। एसपी लगातार आरोप लगा रही है कि कुछ जगहों पर मारपीट हुई है, धक्का मुक्की हुई है। और अभी हम आदित्य यादव को भी सुन रहे थे, उनका कहना था कि हम यहां पर बैठे इसलिए हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारी दिक्कत है। देखिए, अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है, और जो स्वयं बरसों तक बूथ लूटने का काम कराता रहा हो, आज कानून का राज है, आज निर्वाचन आयोग की परिधि में जीरो टॉलरेंस पर चुनाव हो रहा है, गुंडा और माफिया जेलों में है, और अखिलेश यादव की घबराहट ये बता रही है कि अखिलेश यादव चुनाव हार रहे। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि जहाँ अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, वही जगह है जहाँ नीरज तिवारी नाम के एक भाजपा के कार्यकर्ता का गला काट लिया गया, और गला कटी हुई शरीर मतदान के बाद उसकी उसके गांव के बाहर मिली थी। उसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। अगर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रहे, अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि वो कौन सा बूथ नंबर है जहां लूटने की योजना बन रही है। लंबे समय तक वो राजनीति में रहे हैं, सांसद रहे हैं, आज अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हार की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी दबाव में है और उसका जवाब भुवन भास्कर से हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। उनका परिवार हमारे साथ, तमाम मेहमान हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।